नमस्ते दोस्तों, फ्रांत गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ इन प्यारे फूलों के साथ। और देखिए, फ्रांत गार्डन में बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं बेल वर्गी, तो इन सब्जियों के पौधों पर हानिकारक कीट लग चुके हैं दोस्तों। क्योंकि जब बगिया हम कहीं पर भी बनाएं, चाहे टेरेस हो चाहे फ्रंट हो, तो जो हानिकारक कीट हैं वो आ ही जाते हैं समय समय पर। तो देखिए, यहाँ पर ये है नेनुआ का पौधा, और देखिए इनके पत्तों को एकदम से जो कीट होते हैं वो ख़राब कर चुके हैं, और इस तरह से पूरे पत्ते पर ये कीट लगा हुआ है इधर और यहाँ पर भी, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी। और नेनुआ में देखिए इस तरह से छोटे छोटे नेनुआ भी अब लग रहे हैं। तो ये कीट जो हानिकारक होते हैं वो पत्तों को एकदम छेदा कर देते हैं, और इस तरह से ख़राब हो जाता है ये पौधा, और धीरे धीरे पूरा पत्ता ख़राब हो जाएगा। तो इन कीटों से रक्षा करने के लिए मैं आज एक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनाने जा रही हूँ। तो चलिए उधर देखते हैं कि वो कौन सा पेस्टिसाइड है और किस चीज़ से मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं इस तुलसी के मंजरी को निकाली हूँ, और यहाँ देखिए ये है तुलसी की मंजरी। क्योंकि आप जानते हैं कि तुलसी एक औषधीय पौधा है, इसके जड़ से लेकर के तना, पत्ते और मंजरी तक, बीजों तक का प्रयोग होता है। तो आज इस तुलसी की मंजरी से मैं एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड बनाऊंगी। तो इसके बनाने के लिए आप इस तरह से तुलसी की मंजरी ले लें, और जितना आवश्यकता हो आपको उतना पानी ले लें। तो यहाँ पर देखिए, मेरा फ्रंट गार्डन काफ़ी बड़ा है तो सारे पौधों पर यूज करूँगी मैं। तो यहाँ पर पानी ले ली हूँ मैं, और इस पानी में मंजरी को भिगा दूँगी, और इसे कम से कम 24 से 48 घंटे तक भिगा करके रखना है छायादार स्थान में। छायादार स्थान में ढक कर रखना है दोस्तों, और 24 से 48 घंटे के बीच में क्या करना है, इसे 3-4 बार इस तरह से किसी भी स्टिक से आप दिन में 3-4 बार चलाते रहें, और चलाने के बाद इसे ढक करके इस तरह से छायादार स्थान में रख दें। कम से कम 24 से 48 घंटा या फिर 4-6 दिन भी आप इस तरह से रख सकते हैं। तो 48 घंटे बाद ये बहुत ही शक्तिशाली पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हमारे पौधों के लिए बन जाएगा। तो अब हम मिलेंगे 48 घंटे बाद तुलसी के मंजरी से पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनकर के तैयार हो गया है। देखिए, इस पानी का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे हम अपने पौधे पर प्रयोग करने के लिए तैयार करेंगे। तो इसे पहले छान लें इस तरह से, क्योंकि स्प्रे जब करेंगे तो इसे छानना ज़रूरी है, और इसे डाइल्यूट नहीं करना है, सिर्फ छान करके आप स्प्रे में भर लें इस तरह से। इस तरह से स्प्रे बॉटल में भर लेंगे, और इसका तो हम स्प्रे करेंगे, और ये और कुछ इस इंसेक्टिसाइड को पाट की मिट्टी में भी डालेंगे। तो पाट की मिट्टी में इस तरह से डाल लें। देखिए, इस तरह से लें ये पेस्टिसाइड, और देखिए यहाँ पर कद्दू लगा हुआ है कोहरा, तो इसमें इस तरह से पाट की मिट्टी में डाल दें। आप सारे पौधों में इस तरह से यूज कर सकते हैं। और स्प्रे करने के लिए चलिए उधर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर है बेलवर्गीय सब्जियां लगी हुई हैं, और सारे पत्ते जो है वो एकदम ख़राब हो गए हैं, जो कीट होते हैं वो खा डाले हैं। और इस तरह से मैं सारे पौधे पर स्प्रे करूंगी इस तुलसी के मंजरी से बना हुआ इंसेक्टिसाइड। और देखिए, यहाँ पर चींटियां भी सारे पत्तों पर चल रही हैं, और यहाँ पर फल भी लग रहा है, मतलब सब्जियाँ अब लगना शुरू हो गई हैं तो इस पर भी चल रही हैं। तो ये चींटियाँ भी बहुत ही नुकसान करती हैं, क्योंकि ये चींटियाँ
जब पौधों पर रहती हैं तो समझिए कि आपके पौधे पर कोई ना कोई रोग या कीट जरूर से है, इसलिए ये चींटियाँ इधर उधर भागती रहती हैं। तो इस तरह से इस तुलसी के मंजरी से आप भी अपने घर पर फ्री में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बना करके आप अपने सारे पौधों पर इस तरह से स्प्रे करें या अपने पाट की मिट्टी में डालें, जिससे कि आपके बगिया के पौधे जो रहेंगे वह स्वस्थ रहेंगे, बगिया आपकी हरी भरी रहेगी और फ्री का ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बनकर आपके घर पर ही तैयार हो जाएगा। तो आप भी ज़रूर से एक बार बना करके यूज करिए, तुलसी की मंजरी को फेंकिए नहीं, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये नहीं कि एक बार बना करके यूज कर लिए तो फिर नहीं बनाना है, दो तीन दिन बाद कुछ दिन तक आप लगातार यूज करें। यदि इस तरह से रोग लगा हुआ है, कीट लगा हुआ है पौधे पर, तो हर दूसरे दिन इस तरह से स्प्रे करें। और देखिए अभी मैं राख भी छिड़की थी, तो राख भी बहुत बेस्ट पेस्टिसाइड है, ये भी छिड़क देना चाहिए अपने पौधों पर। तो देखिए इस तरह से तुलसी की मंजरी का पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आप भी बना करके अपने बगिया के पूरे पौधे पर दीजिए, आपकी बगिया स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।